गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो संविधान के जो स्रोत हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आज हम उसको देख लेते हैं कि किस देश से भारत ने क्या उधार लिया है उसको हम देख लेते हैं। टॉपिक हो जाता है भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए भारत जो शासन अधिनियम है 1935 उससे हमने क्या अडॉप्ट किया है, तो एक तो हमने अडॉप्ट किया है संघीय तंत्र। जो संघीय तंत्र की प्रणाली है वो हमने कहाँ से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। और न्यायपालिका जो तंत्र है वो भी 1935 के एक्ट से लिया गया है। इमरजेंसी का जो उपबंध है भारत में वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और एक हमने लिया है लोक सेवा आयोग। क्या लिया है? लोक सेवा आयोग। ये सारी चीजें हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है भारत ने, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहण किया हुआ है। और फिर बात करेंगे जर्मनी के जो वाइमर संविधान है वहां से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि इमरजेंसी के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, 20 21 को छोड़कर इमरजेंसी के समय सारे मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, स्थगन हो जाता है, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। और सोवियत संघ जिसको पहले रूस को पहले सोवियत संघ बोलते थे, और इसके संविधान से हमने मूल कर्तव्य को लिया हुआ है। और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, न्याय के आदर्श में जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ये जो तीनों न्याय का आदर्श दिया हुआ है प्रस्तावना में, वो हमने कहां से लिया हुआ है, रूस के संविधान से लिया है। क्या क्या? एक तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। और प्रस्तावना कहां, पूरा जो प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से हम याद रखेंगे, एक तो हम याद रखेंगे संसदीय शासन, संसदीय शासन से ही हम सारी चीजें याद कर लेंगे। देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब संसदीय शासन है तो संसदीय विशेषाधिकार भी उनके पास होगा, तो संसद के पास क्या होगा, विशेषाधिकार भी होगा, तो ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। अब द्विसदनी जो व्यवस्था है भारत में, कैसी व्यवस्था है, द्विसदनी व्यवस्था है, तो ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारत में वो भी कहां से अडॉप्ट किया है भारत ने, तो ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। एकल नागरिकता का प्रावधान, ब्रिटेन, संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनी व्यवस्था, ये सारी चीजें हम याद रखेंगे ब्रिटेन के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से एक तो सबको पता होगा डीपीएसपी, जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, वो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कौन सी पद्धति, किसके निर्वाचन की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखेंगे समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, क्या याद रखेंगे, जो जॉइंट सेशन होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, वो भी किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या याद रखेंगे, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान। और याद रखेंगे कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है, कनाडा के संविधान से याद रखेंगे संघीय व्यवस्था। और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अब आप कमेंट करके बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है और संघीय व्यवस्था, ये भारत ने कनाडा से क्या किया है, अडॉप्ट किया है। देखिए जापान के संविधान से क्या भारत ने अडॉप्ट किया है, तो विधि द्वारा स्थापित न्याय, क्या याद रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित न्याय, अगर क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगा आंसर इसका, जापान, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित न्याय हो जाता है। और अमेरिका के संविधान से भारत ने बहुत सारी चीजें ली हैं जो कि न्याय से रिलेटेड है, तो न्यायपालिका की एक तो स्वतंत्रता याद रखेंगे, न्यायिक पुनराविलोकन याद रखेंगे, और प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से।
और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से भारत ने अडॉप्ट किया है? अमेरिका के संविधान से। और फ्रांस के संविधान से भारत ने जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं, वो भारत ने फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। कौन सा आदर्श? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत ने फ्रांस के देश, फ्रांस के संविधान से क्या अडॉप्ट किया है। ऑप्शन तो दो तीन अलग रहेंगे, पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। और लास्ट बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भारत ने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया है। क्या संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका से भारत ने अडॉप्ट किया हुआ है। देखिए इम्पोर्टेंट सूचियों को भी हम देख लेते हैं और यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कि क्या करती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको हम देखेंगे। और राज्य मतलब जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची में देखते हैं कौन कौन सा विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो एक तो हो जाता है सुरक्षा। सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी कानून होगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। रेलवे हो गया, बैंकिंग, जनगणना, विदेशी कार्य, डाकघर और परमाणु ऊर्जा, ये सारे विषयों पर कानून बनाने का दायित्व किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। सुरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, जनगणना, विदेशी कार्य, डाकघर और परमाणु ऊर्जा। और वहीं अगर राज्य सूची में देखें तो इसमें कृषि आ जाता है और कृषि के अंतर्गत सिंचाई और पशुपालन। कृषि के अंतर्गत याद रखेंगे सिंचाई और पशुपालन, इस पर कानून बनाता है राज्य सरकार। लोक व्यवस्था बनाना उस पर भी कानून कौन लाता है? राज्य सरकार लाता है। पब्लिक हेल्थ हो जाता है, इस पर भी राज्य सरकार कानून बनाती है। आप एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस भी किस में आ जाता है? राज्य सूची में आ जाता है। पुलिस के साथ साथ जेल याद रखेंगे, पुलिस और जेल ये भी राज्य सूची के अंतर्गत। बाजार और मेले और भू राजस्व ये दोनों भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे समवर्ती सूची में हमें क्या क्या याद रखना है। एक तो याद रखना है शिक्षा। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो शिक्षा किस में आ जाता है? समवर्ती सूची में। वन और विद्युत याद रखेंगे, वन और विद्युत भी समवर्ती सूची के विषय हैं। परिवार नियोजन, विवाह, विवाह विच्छेद और जनसंख्या पर नियंत्रण से संबंधित जो कानून होते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करती हैं? अपना कानून बनाने का काम करते हैं। तो देखिए ये हो गया भारतीय संविधान के स्रोत और इम्पोर्टेंट जो सूचियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आज इस लेक्चर में हमने कवर करा दिया है।